टिकिया चाट। तो इसके लिए हमें चाहिए ये चने, ये काबुली चने हैं जिसको हमने दिन भर में गला के रखा हुआ है और फिर उसको उबाल के रखा हुआ है। और इसके बाद में हमें चाहिए उबले हुए आलू, ये आलू उबाल के हमने मैश करके रखे हुए हैं। इसके बाद में हमें चाहिए बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और सारे जो मसाले हम सब्जी में डालते हैं वो सारे मसाले। ये जो हमारे चने हैं इसको हम थोड़े से अलग रख लेंगे, अलग करके इसको थोड़े हम मैश कर लेंगे। ये जो मसाले में ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे वो इस तरीके से हम इसको मैश कर लेंगे, या तो किसी चॉपर की सहायता से भी हम कर सकते हैं, या हम हाथ के भी अच्छे गले हुए हैं तो या हाथ से या चकोटा बेलन पे भी हम इसको कर सकते हैं। तो हम इसको मैश कर लेते हैं ऐसे करके बन स्टार्ट। देखिए ये अब हमारे पूरे मैश हो गए हैं और ये आधे हमने ऐसे ही रखे हैं खड़े। अब हम आलू जो हैं, आलू को भी हम थोड़े से इसमें डालने के लिए रखेंगे और इसमें आलू थोड़े लेंगे और ये जो बचे हुए आलू हैं उसकी हम टिकिया बनाएंगे। तो ये आलू हम थोड़े से लेंगे इसमें और बाकी ये दो आलू की हम टिकिया बनाएंगे। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट। देखिए अब हमने ये सूखे मसाले लिए हैं, इसमें काली मिर्ची है और सौंफ है, राई है और जीरा है। अब हम कढ़ाई में ये मसाले डालेंगे, ठीक है। अब मसाला ये तड़क गया है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। ये हमने प्याज डाली, प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, उसके बाद हम इसमें टमाटर और मसाले डालेंगे। देखिए अब ये थोड़ी हल्की हल्की ब्राउन होने लगी है प्याज। अब हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे, इसमें हम लाल मिर्ची थोड़ी कम लेंगे इसलिए हमने हरी मिर्ची को ज़्यादा लिया है। थोड़ी सी हरी मिर्ची भी हमारी तला जाती है, उसके बाद हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। देखिए ये हरी मिर्ची अब हमारी थोड़ी सी तला गई है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर के साथ ही हम डालेंगे इसमें हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्ची, लाल मिर्ची हम कम ले रहे हैं क्योंकि हमने हरी मिर्ची ज़्यादा ली है, और थोड़े से धने। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से नमक लेंगे हम, और इसके अलावा अब हम इसमें कोई भी चाट मसाला या चना मसाला आता है वो हम इसमें डालेंगे। इसमें हम चना मसाला डालेंगे, एक से डेढ़ चम्मच के आसपास हमें चना मसाला इसमें ऐड करेंगे और इस मसाले को अच्छे से हम भूनेंगे। अच्छा अभी मसाला हमारा कंप्लीट हो गया है, अब इसमें हम ये जो मैश करे हुए आलू थे वो डालेंगे और उसके बाद में ये हमारे जो चने हैं वो डालेंगे हम इसमें और अच्छी तरीके से हम इसको मिलाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में जो हमारे चने जो हमने मैश करे हुए रखे थे वो भी हम इसको ऊपर से डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। देखिए ये हमारा छोला कंप्लीट है, अब हम आलू जो हमने अलग उठाए थे उसकी टिकिया बनाएंगे। इसमें हमने नमक, मिर्ची और हल्दी डाल के रखी है और उसकी हमने ये टिकिया बनाई है। अब हम टिकिया को इसको हम तवे पे फ्राई करेंगे। देखिए अब इसको हम ऐसे तवे पे शेलो फ्राई करके हम इसको तलेंगे, ज़्यादा तलने की इसको ज़रूरत नहीं है, पर हल्का हल्का सा इसको हम दोनों तरफ से फ्राई करेंगे। देखिए अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे, हम छोले को इस तरीके से रखेंगे और उसके ऊपर हम वो जो टिकिया हमने बनाई है उसको ऐसे रखेंगे और इसको हम इमली की मीठी और खट्टी चटनी से इसको डेकोरेट करेंगे। अब इसमें हम पहले दही डालेंगे, ये दही डालेंगे और उसके बाद में हम इसमें इमली की मीठी चटनी डालेंगे। इसमें इमली की मीठी चटनी डाली और इमली का ही पानी हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारी चाट कितनी प्यारी लग रही है, आलू टिकिया छोले टिकिया चाट।